और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त बचे हुए समय में ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप कहां पर ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, जैसे कि इंट्राडे की अगर बात करें सिर्फ दो घंटे के लिए, तो हमारा राजा आज सुबह से देखेंगे तो एक अप ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल अभी भी आप एक कंसोलिडेशन है, जैसे कि मार्केट पहले गिर रहा था लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी संभला हुआ है। आप इंट्राडे में अभी भी पोजीशन बनाइए। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 603-604 रुपए का, आप स्टॉप लॉस रखिए इसका 599 का। अपसाइड में टारगेट जो दिख रहा है 611 और 615, ये दो टारगेट आप अभी रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा रिलायंस के लिए। रिलायंस आप अभी यहाँ पे बना सकते हैं, कंसोलिडेशन जैसा बन रहा है, जैसे ही ये 2360 क्रॉस करे आप बाय कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 2380-2390, स्टॉप लॉस आप नीचे मेंटेन कर सकते हैं 2348 का। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरी, यहाँ पर दो टॉप पिक आ रही है सुमित की तरफ से। संतोष जी, आपकी अगले दो घंटे के लिए टॉप ट्रेड क्या है, दो दमदार ट्रेड? कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तो साइडवेज है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मेरे दो स्टॉक दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से हैं और दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। पहला स्टॉक है मेरा सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्टॉक की बात करें तो इसमें एक बुलिश इन्वर्स ट्रेंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था पिछले दिनों और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से तेजी दिखा रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 670 रुपये का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 642 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है सूर्या रोशनी। इस स्टॉक में भी सिमिलर पैटर्न है, ये भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और मोमेंटम दिखा रहा है। आज एक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 690 के टारगेट इमीडिएटली अचीव होते नजर आएंगे और जहाँ पर आप 664 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो सूर्या रोशनी में आप खरीदारी कर सकते हैं और सोनाटा यहाँ पर भी 670 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये दो कॉल्स संतोष की तरफ से, उन पर एक एक करके बात करते हैं। और कमिंस इंडिया, ये स्टॉक आज सुबह से ही तेजी में है और हम देख रहे हैं कि करीब 7-8% की तेजी इस स्टॉक में आज देखने को मिली। इस वक्त भी 7% ऊपर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और आगे के लिए भी आउटलुक जो शेयर किया कंपनी ने वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस में कंपनियों में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इन तमाम कंपनियों के। कमेंट्स संतोष, आप सजेस्ट करिए आज जब नतीजे आए, 106 पॉइंट्स चल चुका ये आज के आज ही ये शेयर, अगर नतीजों से पहले किसी ने एंट्री कर ली होगी अब क्या निकल जाना चाहिए या अभी भी और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? यस पूजा, जैसा आपने कहा कि कैपिटल गुड्स ओवरऑल थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। कमिंस की बात करें तो किसी ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फ्रेश एंट्री के लिए अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी इस पे काफ़ी बुलिश है। अगर स्टॉक में कोई छोटा मोटा पुल बैक या कंसल्टेशन देखने को मिलता है तो स्टॉक को एक्युमुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन किसी ने सिर्फ रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वेट किया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।